जी बीबी, आपने क्या कहना है ऑनरेबल सेनेटर नसीम एहसान, क्योंकि अभी पार्लियामानी लीडर्स बोल रहे हैं, फिर आप लोगों को देते हैं। जी जल्दी बताएं प्लीज। बड़ी मेहरबानी, मैंने बलूचिस्तान के हवाले से बोलना है जनाब वाला। आपने कहा फरमाया कि पार्लियामानी लीडर बोलेंगे, हमारे पार्लियामानी लीडर की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बोल। आज गजा के बारे में जो रेजोल्यूशन सेशन है, हालत गजा की है वही बलूचिस्तान की है। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में भी वही कुछ हो रहा है। आपको थोड़ी देर बात कर देता हूं, मैं आपको। अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से सुनना पसंद फरमाएंगे तो मैं कुछ बोलूंगी, अगर नहीं पसंद फरमाएंगे तो मैंने कुछ नहीं कहना है। आपको भी देता हूं इस पे, आपके टर्न पे आके आपको दे दूंगा। इसी तरह का मामला है जैसे कि गजा फलस्तीन का मामला है, वहां पे भी मुसलमानों को, जो बेगुनाह शहरी हैं उनको मारा जा रहा है, बेगुनाह बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। बलूचिस्तान का भी यही हाल है। अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं आपसे। जी जी, मैं आपको अभी देता हूँ, नंबर आपका आ रहा है तो मैं बस दो मिनट में जी बताएं, जी बताएं, कर लूंगी जनाब। जी जी बताएं जनाब। वैसे भी आपने ऐसे जज्बाती कर दिया कि क्या बोलूं, जो जहन में था वो सारा खत्म हो चुका है। लेकिन जनाब यही कहूंगी कि हमारी पार्टी बीएनपी मेंगल, जो आज इस शराए दस्तूर पे, जहां पे पार्लियामेंट वाके है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट वाके है, जहां पे ये कौमी मोतसिब वाके है, वहां पे एहतजाज कर रही है। बलूचिस्तान में जो जुल्म, ज्यादती, जबर, बर्बरियत, लाकानूनियत हो रही है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। उसमें लोगों की गैर कानूनी गुमशुदगी के हवाले से जनाब, पिछली दो हकूमतों से हमारी पार्टी के, पिछली दो हकूमतों ने हमारी पार्टी के साथ वादा किया कि हम गुमशुदा लोगों को बाजियाब कराएंगे, लेकिन जनाब वो वादा वही नहीं हो सके। जनाब हम ये नहीं कहते कि दहशत गर्दों को सजा ना दिया जाए या उन्हें छूट दिया जाए, जो मुजरिम है उनको कानून के तहत सजा दिया जाए। लेकिन जनाब लवाइकीन को ये भी पता चले कि उनके बेटे, उनके भाई, उनके बच्चों ने क्या जुर्म किया है, और उन लोगों को जो गुमशदा हैं उनको कहाँ रखा है। वैसे भी जनाब मुल्क में कानून है पाकिस्तान में, अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसे ताने में रखो, कहीं पे भी रखो, तो उनका एक टाइम मुकर्रर होता है, उस जुर्म का एक सजा का एक टाइम मुकर्रर होता है। इनको पता नहीं है, इनके माँ बाप को नहीं पता, इनके भाई बहनों को नहीं पता, इनके बीवी बच्चों को नहीं पता कि क्या सजा हुई है, क्या गुनाह किया है इन लोगों ने, कहाँ रखा है, ये जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। देखें जनाब, अगर कोई किसी रिश्तेदार मर जाता है तो उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, मनो मट्टी तले उनको दफन करते हैं, फिर रो धोकर उन लोगों को, उन लवाइकीन को, मां बाप को सब्र करार आ जाता है। लेकिन जिनके बच्चे गुमशुदा हैं उनको कैसे सब्र करार आ जाता है? पता नहीं किस हाल में होंगे, जिंदा हैं या नहीं, मर चुके हैं कि नहीं, उनके लिए वो क्या दुआ करें? उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें या उनकी जिंदगी के लिए दुआ करें? जनाब मैं ये कहना चाहूंगी आखिर में, क्योंकि मेहरबानी जी, जी जी जनाब, बस ये मैंने एक बात ये कहना है कि जनाब हमारी पार्टी बीएनपी मेंगल को इलेक्शन से दूर करने के लिए ये तमाम साजिशें रचाई जा रही हैं, और हम इस गैर जमहूरी और गैर आइनी, गैर सियासी इकदाम की मजम्मत करते हैं, और हम सिर्फ वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की आईन अपनी शहरियों को गारंटी देता है, उससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर एहतजाज करना आईन में जुर्म है तो हमें बताया जाए ताकि हम जुर्म से रुक जाएं। हमें वही बताया गया है कि आईन, वो आईन ही वो दस्तावेज है जो चारों कौमों को यकजा करता है, तमाम इदारे आईन के ताबे हैं, और सुप्रीम कोर्ट और तमाम इदारों को आईन के तहत काम करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, वैसे जहन में बहुत कुछ था लेकिन पहले मैं जज्बाती हो गई, मेरे ख्याल तमाम कुछ निकल चुके हैं, लेकिन हम इस इकदाम की जो बलूचिस्तान में हो रहा है इसकी मजम्मत करते हैं। फलस्तीन पे बोलना हमारा हक है, क्योंकि फलस्तीन मस्जिद अक्सा हमारा अव्वली काबा, हमारा अव्वली किबला है। लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो बच्चे हमारे
हम उनके लिए नहीं बोल पा सकते हैं। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जनाब रजा रब्बानी साहब का, जिनके दिल में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में बसने वालों के लिए दर्द है और उन्होंने यहाँ पे आके बोला। बाकी हमारे तमाम मेंबरान बलूचिस्तान के लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। जनाब बड़ी मेहरबानी आपने जो मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।